Hey guys hope you all are doing well so today we'll be starting with the new chapter balance of payment uh, so this chapter is of class 12th economics

होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट में एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके नाउ एज द वर्ड कम्स रेसिडेंट और और द वन हु रिसाइड इन पर्टिकुलर कंट्री सो व्हाट दिस मींस तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि वो सारे लोग जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में होते हैं एंड ऑल ऑफ़ देर इकोनोमिकल कंसर्न इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नेशन ओनली तो उनको डोमेस्ट सॉरी रेजिडेंट कहा जाता है सो इट इज़ नॉट बाउंडेड टू ओनली वन इंडिविजुअल या वन फर्म एनी इंडिविजुअल एनी फर्म एनी गवर्नमेंट एजेंसी और एनी अदर इंस्टीट्यूट विच इज़ परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली विल बी इंक्लूडेड इन टू द स्टेटमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके अभी हमने बात करी यहाँ पर यानी कि this whole definition has got different terms resident as i have explained to you uh, the second comes economical transaction so see all the transactions which are डन इन टर्म्स ऑफ सम अदर मॉनिट्री वैल्यू उसको हम इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन बोलते हैं ठीक है जहाँ पर गुड्स का सर्विसेज का या फिर किसी भी चीज़ का लेन देन हो रहा है विच इज़ समेयर डायरेक्टली और इनडिरेक्टली रिलेटेड टू द मनी इज कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन नाव इट हैज़ गॉट नो बाउंड्रीज ये ने नेशन में भी हो सकता है विद इन द नेशन भी हो सकता है एंड इंटरनेशनली भी हो सकता है ओके नाव इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन के यहाँ पर चार मेजर कैटेगरीज हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट कम्स इजिब विजिबल आइटम ओके तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम केवल फ़िजिकल टेंजिबल गुड्स की बात कर रहे होते हैं जो कि एक नेशन से दूसरे नेशन में जिसका ट्रांजैक्शन हो रहा होता है या फिर कहीं भी उसका ट्रांजैक्शन हो रहा होता है लाइक इट इज़ नॉट अबाउट द नेशन बट एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ जस्ट रिलेटेड टू द फिजिकल एंड टेंजिबल गुड्स आर टर्म्ड एज विजिबल आइटम्स है ना तो ये वेरी फर्स्ट कैटेगरी या वेरी फर्स्ट सब पार्ट होता है इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन का सेकेंड कम्स इन विजिबल ट्रांजेक्शन इन विजिबल ट्रांजेक्शन इंटूज ऑल दोज इनटेंजिबल ट्रांजेक्शन इन नॉट ट्रांजेक्शन बट द ट्रांजेक्शन फॉर द गुड्स विच आर इंटेंजिबल यानी कि ऐसे गुड्स जो इनटेंजिबल होते हैं दे आर टर्मड एज सर्विसिज तो जो भी सर्विसेज हम वन नेशन टू अदर नेशन या वन पर्सन टू अदर पर्सन जब भी वो हो इकोनॉमिकली होते हैं तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन इन द इन फॉर्म ठीक है तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये सेकेंड सब पार्ट होती है हमारी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन का द थर्ड पार्ट कम्स यूनिलेटल ट्रांसफर्स सो यूनिट्रल ट्रांसफर्स रेफर्स टू दन साइड ट्रांजेक्शन सो वन साइड ट्रांजेक्शन फॉर एनी गुड्स और गिफ्ट और एनी ग्रांस एनी थिंग कैन हैपन से फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ गिफ्ट फॉम योर फ्रेंड ऑन योर बर्थडे ठीक है तो ये एक यूनीलेट्रल ट्रांसफर है वेर इन ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग यू तो जो भी गिफ्ट्स होते हैं ग्रांट्स होते हैं जो कि केवल एक साइड के होते हैं उनको भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में इंक्लूड किया जाता है माइंड मी आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन नॉट अबाउट नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट तो यहाँ पर बच्चे थोड़े कन्फ्यूज जाते हैं रिगार्डिंग द टर्म यूनी ट्रांसफर तो मैं केवल एक मेयर एक्जाम्पल दे रही हूँ ऑफ वट ऑल थिंग्स कम्स अंडर द इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन सो इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ओके एंड द फोर्थ कम इज़ कैपिटल ट्रांसफर्स इन ईजी वर्ड्स कैपिटल कैन बी टर्म्ड एज असेट्स ओके तो जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं आपके उन्हीं को कैपिटल ट्रांसफ़र्स कहा जाता है सो कैपिटल ट्रांसफर्स यानी कि आपने कहीं uh, कोई असेट खरीदा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मशीन और एनी थिंग तो वो आपका जो है एक इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में ही इंक्लूड होगा सो इन टोटल वी हैव गॉट फोर इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन लाइक वी हैव गॉट फोर कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन जहाँ पर बेसिकली uh, हम सारे ट्रांजेक्शन्स uh, को सेग्रीगेट कर देते हैं नाउ लेट इस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा स्टॉ टॉपिक स्टार्टिंग से ही रहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब लाइक द मेन हेडिंग ऑफ द चैप्टर दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सो द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू की क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है सो इट हैज़ टू गो टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग्स सो इन वाइल मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट वी यूजअली यूज़ डबल एंट्री सिस्टम हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ होता है वेर एवरी इकोनोमिकल ट्रांजेक्शन हैज़ गॉट टू फेसिज और टू अफेक्ट्स वन द कमिंग एंड अदर द गोइंग ठीक है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को इन क्लूड करते हैं जहाँ पर दोनों साइड के ट्रांजेक्शन या फिर दोनों जो अफेक्ट्स हैं उन दोनों को हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं और उसका क्या अफेक्ट पड़ा है वो भी दिखाते हैं ठीक है सो सिंस आई हैव टोल्ड यू की डबल एंट्री सिस्टम होता है तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट की बात तो डेफिनेटली होगी तो जब भी हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो दीज आर ऑल सच ट्रांजेक्शन विच कॉजेज़ इनफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज ठीक है तो जितना भी इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का उसको हम क्रेडिट साइड लिख और जितना भी आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं सो हियर वी आर फॉलोइंग द रूल

इनफ्लो ऑफ फ़ॉरेन एक्सचेंज इज मच मोर देन द आउटफ्लो ऑफ फ़ॉरेन एक्सचेंज यानी कि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है कंपेयर टू द डेबिट साइड इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन जब हम रिसिप्ट और पेमेंट की बात कर रहे होते हैं नाउ रिसिप्ट जब ज़्यादा होती हैं फ्रॉम पेमेंट रिसिप्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज इज मोर देन देमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज देन देट इज कॉल्ड एज सरप्लस बी ओ पी वैन रिसिप्स लेस देन द पेमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डेफिसट बी ओ पी एंड वैन दीज आर इक्वल इसका मतलब बैलेंड बी ओ पी है ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद अरो टर्म दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स ठीक है अब यहाँ पर विजिबल गुड्स का क्या मतलब होता है एज आई हैव एक्सप्लेन यू अर्यर की विजिबल गुड्स रेफर्स टू ऑल दोजेबल फिजिकल गुड्स विच हैज़ गॉट सम फिजिकल एक्जिस्टेंस उन्हीं को विजिबल गुड्स कहा जाता है तो जो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का ऑफ विजिबल गुड इज टर्म एज बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है सो सिंस द डेफिनेशन ऑल सेस की यहाँ पर बी ओ टी का एक फार्मूला है वेर इज देर इज एक्सपोर्ट ऑफ़ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स माइनस कर देते हैं तो हमको बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू पता चल जाती है ना एस सेम सिमिलर टू दैट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर भी बैलेंसड बी ओ टी होता है डेफिसिट बी ओ टी होता है और सरप्लस बी ओ टी होता है आई होप ये तो आपको uh, समझ आई जाएगा दैट्स द सेम बिल्कुल सेम टू सेम है बस इसमें एक्सपोर्ट की जगह मतलब वहाँ पर इसे पेमेंट का हम यूज़ करते थे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनके दो मेजर कॉम्पोनेंस होते हैं एक है करंट अकाउंट दूसरा है कैपिटल अकाउंट सो बेसिकली करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर हम वो सारे ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं विच आर रिलेटेड टू गुड्स सर्विसेज एंड यूनिट्रल ट्रांसफर्स तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और यूनिट्रिकल ट्रांसफर्स ऑल आर कम्बाइंड इन टू वन सिंगल अकाउंट दैट इज नोन एज करंट अकाउंट ठीक है उसको हम एक ही अकाउंट में लिखते हैं जिसको कहा जाता है करंट अकाउंट तो so ब्रॉडली जो जो भी करंट अकाउंट में आता है दैट इज़ बिंग रिकॉर्डेड हियर द फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ठीक है जितने भी गुड्स होते हैं यानी कि आपकी विजिबल आइटम्स होती हैं उसका एक्सपोर्ट होना या फिर उसका इम्पोर्ट यानी कि हमारी कंट्री में कोई गुड्स बाहर से आते हैं या हम कंट्री में से गुड्स बाहर भेजते हैं तो वो करंट अकाउंट में हम नोटिस करेंगे उसकी जो भी मॉनिटरी uh, वैल्यू होती है सेकेंड आता है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज़ सो दिस इज़ इक्वल टू योर इनविजिबल ट्रेड तो जितना भी इनविजिबल सर्विसेज हो गई आपकी इनविजिबल गुड्स हो गई या फिर सर्विसेज हो गई तो वो सब जो है वो भी उसका भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम लोग करंट अकाउंट में ही इंक्लूड करते हैं ठीक है एग्जाम्पल आपका शिपिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई इंश्योरेंस बैंकिंग एवरीथिंग दीज ऑल सर्विसेज आर सम इंटरनेशनल लेवल आर इंक्लूडेड इन दी करंट अकाउंट है ना द थर्ड थिंग्स विच कम्स इज़ यूनिलैचुर और वन साइड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड यानी कि कोई भी आई एम सो सॉरी आई फॉर गॉटन टू राइट टू एंड फ्राम अब्रॉड तो जितने भी यूनाइटेड ट्रांसफर्स आई मीन आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहे हैं बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ओनली सो दे आर दन वे ट्रांजेक्शन है ना तो आप उसको भी करंट अकाउंट में लिखते हैं द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स टू एंड फ्राम अब्रॉड तो जितनी भी रिसिप्ट या फिर जो भी पेमेंट होते हैं uh, रिलेटेड टू प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट एनी कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है या जो भी वो सारी चीज़ें आपकी करंट अकाउंट में ही इंक्लूड होती हैं नाउ द टॉपिक इज किसके एक्सपोर्ट या किसके इम्पोर्ट से हम कौन सी चीज़ क्रेडिट में लिखेंगे या डेबिट में लिखेंगे तो आई हैव मेड अ टेबल तो जब भी एक्सपोर्ट होता है किसी गुड्स का तो हमको क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मिलता है बिकॉज देर इज़ अ पेमेंट तो जब भी एक्सपोर्ट होता है तो वी राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड एंड वेन एवर देर इज इम्पोर्ट तो हमको क्या करना है होता है फॉरन एक्सचेंज बाहर देना होता है यानी आउटफ्लो हो रहा होता है हमारे फॉरन uh, एक्सचेंज का तो दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ठीक है नेक्स्ट थिंग कम सर्विसेज सो सर्विसेज एंड गुड्स हैव गॉट सिमिलर नेचर तो कोई भी सर्विसेज जब हमको uh, चाहिए होती है सो वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड और जब हम सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वी रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स तो अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एब्रॉड है तो विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड वेर एज जब फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ओ डब्ल्यू ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो जब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम एब्रॉड होते हैं तो वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ठीक है नाउ uh, अगर कोई इनकम हमें मिल रही है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री तो वो हमारे लिए इन्फ्लो हो गया सो दैट इज़ द क्रेडिट थिंग और जब हमको पेमेंट करना पड़ता है आउटसाइड तो दैट इज़ थिंग विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ओके तो इस तरह से जो है द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज़ देटेड ट्रांसफर्स फ्रॉम एब्रॉड टू एब्रॉड इनकम और पेमेंट की मैंने बात की कि कौन सी चीज डेबिट साइड एंड कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड में होती है ऑन द अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड दैट टू इन द करेंट अकाउंट अभी हम लोग करंट अकाउंट एंड उसके कॉम्पोनेट्स की बात कर रहे थे तो दैट इज वाई गुड सर्विसेज यू नाट ट्रांसफर्ज इनकम पेमेंट का क्रेडिट डेबिट इज डिसडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड देन एंड देर इट इज रिकॉर्डेड ऑन द अकाउंट्स ऑफ नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक इकोनमी में दो चार मेजर चीज़ें होती हैं यानी हमने जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस की बात की सो अदर दैन कैपिटल ट्रांसफर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट हैंस जो करंट अकाउंट होता है वो हमको इनसाइट देता है अबाउट द नेट नेट इनकम ऑफ द कंट्री ठीक है उसके एम्प्लॉयमेंट उसकी इनपुट आउटपुट इनकम इन सब की डिटेल्स जो है वी गेट इट आउट ऑफ आर करंट अकाउंट क्योंकि कंट्री के सारे रिसोर्स अदर देन द कैपिटल रिसोर्सेज विच आर रनिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट हैंस इससे हमें पता चलती है कि एक कंट्री की नेट uh, इनकम कितनी है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ठीक है तो वट एवर इनकम इज बिंग जनरेटेड इन द फॉरन सेक्टर कैन बी कैलकुलेटेडी इजीली थ्रू द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट ठीक है अभी बैलेंस ऑफ अगैन जो बैलें जो आपका करंट अकाउंट होता है इट हैज़ गॉट बैलेंस्ड करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट इंड सरप्लस करंट अकाउंट तो वैन एवर योर इनकम एक्सपोर्ट एंड यूनीटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड इज मोर देन दी इम्पोर्ट्स यूनिटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी सरप्लस थिंग है ना वैन ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इक्वल तो वो बैलेंस हो जाएगा और डेफिसिट तब होगा जब आपके अगैन एक्सपोर्ट इनकम यूनिलेटर ट्रांसफ़र्स जो हैं वो कम होंगे कम्पेयर टू योर इम्पोर्ट पेमेंट्स एंड यूनिलेटर ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड ठीक है तो आई होप आई आई एम मच क्लियर टू यू नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज कैपिटल अकाउंट अभी तक हमने करंट अकाउंट की बात की थी सो एज वी टॉक अबाउट दकोनोमिकल ट्रांजेक्शन उसमें तीन चीजें हम करंट अकाउंट में ऑलरेडी लिख चुके हैं द लास्ट थम्स इज दैपिटल ट्रांसफर्स वही चीजें जो है वो हम इंक्लूड करते हैं कैपिटल अकाउंट में सो या इट रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच अफेक्ट्स दैल्यूफ़ सेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रेसिडेंट एंड इट्स गवर्मेंट हमारी कंट्री हमारी कंट्री के रेसिडेंट ऑफ 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 ऑन या फिर उसकी गवर्नमेंट के या लाइबिलिटी पर अफेक्ट करने वाले सारे ट्रांजेक्शन को विच आर बीइंग डन ऑन इंटरनेशनल लेवल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट इज यूज टू फाइनेंस डेफिसिट इन द करंट अकाउंट यानी कि अगर आपका करंट uh, अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है विच मींस योर आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो तभी हम लोग जो है कैपिटल अकाउंट की मदद से बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल uh, करने की कोशिश करते हैं या फिर अगर करंट अकाउंट में सरप्लस आ गया है तो उसको बैलेंस uh, करने के लिए हमको कैपिटल अकाउंट का हेल्प लेना पड़ता है ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्राम अब्रॉड ठीक है सो बोरोइंग स्टैंड फॉर ऑल द मनी विच वी हैव टेक इन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री फॉर सम ऑर दी अदर पर्पज़ ठीक है एंड लैंडिंग मतलब जब हमने पैसा दिया होता है दूसरे लोगों को ठीक है सो वेन एवर देर इज बोर बोरो इट ब्रिंग्स फॉरन एक्सचेंज इन अर इन आवर कंट्री तो इसीलिए हम उसको जो है हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं वेर एज जब भी हम लैंडिंग देते हैं यानी कि पैसा देते हैं सो दैट इन नाउट्रो भले ही हमको बाद में मिलने वाला है बट टिल देन हम उसको डेबिट साइड में ही इंक्लूड करते हैं द सेकेंड थिंग कम्स इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्राम एब्रॉड तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग हम लोग के रेसिडेंट्स जो हैं वो बाहर जाके करते हैं आउटसाइड द कंट्री करते हैं सो दे नीड फॉरेन एक्सचेंज ठीक है सो इट लीड्स टू द लाइक द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो जब भी देर इज़ इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड दैट विल बी डेबिटेड और जब भी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में होता है फ्रॉम द रेजेंस ऑफ द अदर कंट्री सो इट जनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी द्रेड लाइक इट विल बी इंक्लूडेड इन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट और द कैपिटल अकाउंट हमारे कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड को हम रिस्पेक्टिव डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में शो करते हैं द थर्ड थिंग कम्स चेंज इन द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं ये फाइनेंशियल असेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं दे आर हेल्ड और दे आर बीइंग केप्ट इन द सेंट्रल बैंक ठीक है तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को हम विड्रॉ करते हैं तो उसके अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक गिव्स अस द फॉरेन एक्सचेंज ठीक है तो वेन एवर रिजर्व आर विदड्रॉल फॉरन एक्सचेंज इज जनरेटेड इन द कंट्री और उससे क्या होता है इट लीड्स टू इन ऑफ द फॉरन एक्सचेंज तो उसको हम हमेशा क्रेडिट साइड में इंक्लूड करते हैं वेर एज जब भी फॉरन एक्सचेंज को हम लोग डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो दैट ट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उससे हमारे फॉरन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाते हैं ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट वैन टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन एंड लेस देन द टोटल आउटफ्लो ऑफ सच ट्रांजेक्शन ठीक है तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट किन कारणों से आता है ऑटोनमस ट्रांजेक्शन के द्वारा आता है नाव वॉट आर दटोनॉमस ट्रांजेक्शन आई डिस्कस दैट फर्स्ट एंड देन विल कम बैक टू दिस पॉइंट सो बेसिकली ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन वो सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि किसी ना किसी मोटिव से करे होते हैं या तो प्रॉफिटिंग uh, के लिए किए होते हैं या फिर मर्चेंडाइजिंग के लिए किए होते हैं या गुड सर्विसेज और आपके यूनिलाट्रल ट्रांसफर्स और कोई भी इनकम पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली करे हुए होते हैं इन एन इकॉनमी आर कंसिडर्ड एज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन ठीक है इंडिपेंडेंट होते हैं विच आर डन फॉर सम अदर मोटिव ठीक है तो ये कहलाते हैं अबव द लाइन ट्रांजेक्शन क्योंकि इन पर कोई जोर नहीं रहता है कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती है वैन एवर यू वॉन्ट टू मेक अ ट्रांजेक्शन यू कैन मेक इट एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स अफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट और एनीवेयर हम लोग ये बहुत ही इंडिपेंडेंट लेवल पर करते हैं इसलिए इनको अबव द लाइन कहा जाता है है ना और ये ऑटोनॉमस कहलाते हैं है ना नाउ टॉकिंग अबाउट द अपोजिट फिनमिना दैट इजोमोडेट अकोमोडेटिंग आइटम्स तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि हमको ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं सो so दैट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल आ जाए वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं सो वेन एवर दे इज़ अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट और द इज सर इन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको कवर uh, करने के लिए हमको कुछ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करने होते हैं एंड वॉट एवर दिस डेफिसिट और सरप्लस इज बिंग कॉस्ट ये केवल और केवल ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के बदौलत होता है ठीक है तो जो भी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरे साल भर करते हैं जिसके कारण लास्ट में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट शो इज डेफिसिट और सरप्लस एंड अकॉर्डिंगली टू मैच द सिचुएशन वी परफॉर्म सेवल अदर ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड एज दी अकोमोडेटिंग

एज अंटिल एंड लेस वी डोंट नो द आइडिया और द अमाउंट डिराव आउट ऑफ द ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन वी कैनॉट परफॉर्म दी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स तो इसीलिए डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों आता है डेफिसिट जब भी आता है सो दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर एन इकोनमी ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ठीक है तो जब भी डेफिसिट आता है सो so, वो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन के कारण आता है वेयर इन द इन फ्लोज जनरेटेड आउट ऑफ द ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन आर लेसर देन द आउट फ्लो ठीक है इसीलिए ही डेफिसिट de कॉज होता है सो या दैट वॉज इट अबाउट द चैप्टर आईव ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दी पॉइंट्स इन डिटेल विद यू ऑल एंड आई होप यू हैव गॉ इट क्लियरली आई हैव ऑल्सो अपलोडेड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स ऑन माई चैनल हुज प्ले लिस्ट आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो मैंने राइटिंग स्किल्स जो है क्लास ट्वेल्थ का उसको भी अपलोड कर रखा है सो आई अपट द लिंक ऑफ दैट टू इन द डिस्क्रिप्शन So, I hope you have got everything. If so, please hit the like button, share it with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you so much.